नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आदर्श आनंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग डिस्कशन पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में ITI वाले बच्चे लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी डाउट है जिसको मैं क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, जैसे ही आप सभी लोगों का रिजल्ट आता है तो आप लोग कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से NCVT की वेबसाइट पर जा करके अपना रोल नंबर डालते हैं और वहां आपको कुछ इस तरह का जो है NCVT की वेबसाइट पर तो आपको इस तरह का जो है वो रिज़ल्ट शो होता है। अब दोस्तों, एक्चुअली में ये जो है आपका रिज़ल्ट तो है बट आपका ये ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों ये आपका मार्क्स स्टेटमेंट है। ITI वाले बच्चे ध्यान दें कि ये उनका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ये जो है मार्क्स स्टेटमेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं कि जब उनसे उनका मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जाता है तो वो जाते हैं NCVT के साइट पर और इस तरह का ब्लू वाला जो है ना इसी को अपलोड कर देते हैं, तो बहुत जगह पर ना ये रिजेक्ट हो जाता है। बहुत जगह पर अप्रूव हो जाता है लेकिन बहुत जगहों पर जो जानकार व्यक्ति है वो इसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ये बस मार्क्स स्टेटमेंट है। अब दोस्तों, ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है वो दरअसल वो इस तरह का रहता है और ये जो है ओरिजिनल यहाँ पर मार्कशीट आप देख सकते हैं। दोस्तों, ओरिजिनल मार्कशीट में क्या होता है कि आप देख सकते हैं एक QR कोड दिया जाता है, जबकि जो मार्क्स स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई भी QR कोड नहीं है। उस तरह का फेक डुप्लीकेट कोई भी बना सकता है, इसीलिए ओरिजिनल मार्कशीट जो है जब आपको अपलोड करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरह का जो आपका मार्कशीट आता है इसी को आपको अपलोड करना है, क्योंकि इसके अंदर एक तो आपका QR कोड होता है और दूसरा इसमें जो NCVT के सेक्रेटरी होते हैं उनका आपको सिग्नेचर भी देखने को मिलता है, यानी ये आपका ओरिजिनल मार्कशीट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और आप लोगों को हो सकता है कि उसका जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा कि एक तरफ जो ये ब्लू वाला होता है ये आपका मार्क स्टेटमेंट होता है, जबकि दूसरी तरफ ये QR कोड वाला जो रहता है ये आपका ओरिजिनल मार्कशीट होता है। तो कभी भी जब आप कहीं पर भी अपने मार्कशीट को अपलोड करें तो वहाँ ध्यान रखें कि जो मार्कशीट आप अपलोड कर रहे हैं तो उसके अंदर ये QR कोड ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन दोनों ही जो ITI रिजल्ट और ITI जो स्टेटमेंट्स आते हैं इनके बारे में सारी जानकारियां मिल गई होंगी। इस तरह की जानकारियों को लेने के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।